ओला लगी जोहार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक विशेष कार्यक्रम आप लोगों के पास लाया हूं, क्योंकि हमारे लिए कर्मा का त्योहार बहुत खुशी का दिन है। कर्मा का त्योहार में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूं कि कर्मा का त्योहार क्यों मनाते हैं, कौन लोग मनाते हैं, कहां कहां मनाते हैं, इसके पीछे पौराणिक कहानी क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं यह विशेष कार्यक्रम। कर्मा त्योहार सितंबर महीने के खरीफ फसल उगाने के लिए की जाने वाली कृषि कार्य संपन्न होने के बाद मनाई जाती है। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के लोग अच्छी वर्षा, उपजाऊ भूमि और उन्नत पैदावार के लिए कर्म देव से प्रार्थना करते हैं। यह पर्व व्यक्ति को सीधे प्रकृति से जोड़ता है और जीवन को कर्म प्रधान बनाने तथा धरती और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर्मा का त्योहार बड़ी धूमधाम से झारखंड के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और जहाँ जहाँ पर हमारे आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। झारखंड में कर्मा का त्योहार मनाने वाले आदिवासियों में उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संथाली इत्यादि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वृहद रूप से पाई जाती है। अतः यही कर्मा का त्योहार गली मोहल्लों, सड़कों, चौराहों, मैदानों तथा अखाड़ों में हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए आसानी से देखा जा सकता है। आइए एक कर्मा का गीत आप लोगों को फिर से सुनाता हूँ।
करमा त्योहार के दिन युवक युवतियाँ नाचते गाते हुए जंगल से करमा वृक्ष के डालियों को काट कर लाते हैं और उसे अखाड़े के बीचों बीच गाड़ते हैं। उस दिन रात भर इसके चारों ओर युवक युवतियों का एक समूह गीत और नृत्य करती हैं। युवतियों के बालों में जवा फूल, रंगीन फीता और श्रृंगार की सामग्रियां सजी होती है। पहनने के लिए विशेष प्रकार की साड़ियां जिसमें तीन धार वाली पाड़ होती है। कुछ युवक युवतियों के गोलाकार कतार के मध्य वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं। जिनके पास वाद्य यंत्र नहीं होते वे युवतियों की तरह अपने अपने हाथों के सहारे जुड़कर चेन बनाते हैं और गोल आकृति बनाते हुए नृत्य करते हैं। नाचने के दौरान बीच बीच में हुर्रे की आवाज करते हुए हंसते और ठहाके मारते हैं। यह नृत्य सूर्योदय होने के कुछ देर तक चलती रहती है। करमा त्योहार में जवा फूल का विशेष महत्व है। युवक इस फूल को अपने कान में लगाते हैं और युवतियां अपने बालों में लगाकर अपना श्रृंगार करती हैं। जवा फूल तैयार करने के लिए बांस की टोकरी में मिट्टी डालकर उसमें जव, गेहूं और धान के बीजों को डालकर पानी डाल दी जाती है। इसे कुछ दिनों तक घर के अंदर ही छाया में रख दी जाती है। इसके पश्चात उन बीजों में से पीले पौधे उग आते हैं। इन पीले पौधों को सर्वप्रथम करमदेव के पास रखी जाती है, उसके बाद ही इस्तेमाल में लाने का प्रचलन है। भक्त जन सुबह से दूसरे दिन पूजा तक लगभग 24 घंटे उपवास रखते हैं। मान्यता के अनुसार करमा और धर्मा दो भाइयों की पौराणिक कहानी को दोहराई जाती है। ऐसा माना जाता है कि करमा वृक्ष की पूजा करता था और धर्मा अपने नित्य कर्मों में ही व्यस्त रहता था। परिणाम यह हुआ कि करमा अत्यधिक धनी हो गया और धर्मा निर्धन। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार किसी गांव में करमा वृक्ष की पूजा की जा रही थी। उसी दौरान एक ही परिवार के सात भाइयों ने उससे उखाड़ कर गांव के बाहर फेंक दिया। इस कृत्य से करमा देव बहुत नाराज हुए। उनकी मवेशियां मरने लगी तथा उनके बीच कई तरह की बीमारियां आने लगी। सभी भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे पुनः अपने प्रांगण में करमा पेड़ लगाकर पूजा करने लगे। छह भाइयों की समस्या तो दूर हो गई, परंतु सबसे बड़े भाई जिन्होंने करमा वृक्ष को उखाड़ कर फेंकने की गलती की थी उनकी समस्या बनी रही। लोगों ने उसे सलाह दी कि वे सात समुन्दर पार जाकर वहां से करमा पेड़ काट लाएं, तभी करमादेव उनसे खुश होंगे और उनकी समस्याएं दूर हो सकेंगी। बड़े भाई ने वैसे ही किया और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आइए हम एक करमा गीत सुनकर आनंद लें। आज मैं आप लोगों के पास करमा त्योहार के बारे में यह विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं आप लोगों के पास फिर आऊंगा एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ओ लगी जोहार।